कब पता चला था कि इतने दुबले पतले इंसान में हिस्से मजाक का समंदर है? आप यकीन करें, मुझे अभी तक भी नहीं पता चला कि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जो बहुत यादगार हो या लोग तारीख में लिखें। अभी भी बस खिदमत ही कर रहे हैं, लोगों की हंसा रहे हैं। लोगों को हंसाना भी बहुत बड़ा काम है, आसान बिल्कुल भी नहीं है। ट्रस्ट नहीं, आसान तो नहीं है, लेकिन अब तो सारा पाकिस्तान ही झुकते कर रहा है। हंसाने वाले को मरासी क्यों कहा जाता है, और मरासी वर्ड जो हमारे माशरे में इतना नापसंदीदा क्यों समझा जाता है? असल में मरासी जो होता है ना, वो वरासी होता है। जैसे किसी के काम विरासत में जो काम होता है ना, वही कर सकता है कि जो अपने बुजुर्गों की विरासत। या मरासी बहुत अच्छा लफ्ज है, ये तो तकरीबन दरबारों में आज दुनिया में जितना भी काम है, गाने बजाने का, मौसीकी, सुर संगीत, ये उनकी वजह से ही कायम है। तो अब तो अताई लोग भी इस काम में आ गए। उनकी सोच छोटी है, जो कहते हैं मरासी, ये मोची, ये जलाए हैं, ये फलां हैं, उनकी सोच छोटी है। इंसान सब बराबर है और ये टैलेंट है। हाँ, बिल्कुल। लोग मोटापा कम करने के लिए 10 जतन करते हैं, आपको तो मोटा होने के लिए 15-20 जतन तो जरूरत होती होगी। मैंने कई बार कोशिश भी की है, मैं वो एक दो मेरे पौंड भी लड़े ने, मैंने फिर नहीं सोच पाई। मैं कहा यहाँ से पौंड चाइना दे, दो नंबर ने नहीं सही लड़े। तो ये फिगर अच्छा है ऐसे ही। मोटा होने के लिए कभी किसी ने दूध, जलेबी, आलू मक्खन खाने का मशवरा नहीं दिया? नहीं, जी तो चाहता है कि मैं भी थोड़ा सा मोटा हूँ, ऐसे डोले शोले हूँ। कुछ फिगर ऐसे होते हैं। मैं एक जगह है हासलपुर, पाकिस्तान का बड़ा अच्छा इलाका है, वहाँ ड्रामा कर रहा था। एक दोस्त मेरा फैन था, वो 3-4 किलो देसी घ्यो डब्बे च पा के मैंने लैके दे गए। कहता तू बड़ा अच्छा फनकार है, ए खा जरा, एना सारे फड़ेगा तू। अच्छा, वो मैंने खा लिया। तो मैनू खाद्या भी 6-7 महीने हुण लगे होने उस घ्यो नूं। फिर वहां से हम चले गए एक और जगह पे ड्रामा करने, वही फैन दोबारा आ गया। अच्छा, मैं कहा होर ले आया है क्यों? कहना नहीं नहीं, मैं तो पिछले पैसे लेना है। अच्छा, राइट। क्या ये बात दुरुस्त है कि आपको सुबह, दोपहर, शाम डॉक्टरों ने एक्सरसाइज और वॉक करने से मना किया हुआ है? डॉक्टर की पूछ रहे हो, डॉक्टर से यकीन। एक डॉक्टर को मैं गया, मैं कहा डॉक्टर साहब मैं बड़ा कमजोर हूं, मेरा नब्ज फड़ के, कहना सिगरेट पीते हो? मैं कहा हाँ जी। कहना लिया मैनू भी प्यार। नहीं, ये फिगर ठीक है, शुक्र अल्लाह का। जैसे ऐसे ही लोग हमें पसंद करते हैं, तो फिर मोटा होने की, जो मोटा है वो पतला होने की कोशिश कर रहा है, जो पतला है वो मोटा होने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। तालीम कहाँ से हासिल की और कहाँ तक की? नहीं, मेरी एजुकेशन इतनी नहीं है, बस मैं 3-4 जमातें पढ़ा हूँ, उसके बाद फिर पढ़ा नहीं। तो आज बड़ी इस चीज़ की कमी महसूस होती है कि काश मैं तकरीबन मैट्रिक किया होता तो बंदा थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेता है। जैसे हम जिनी देर हो गई ना, धरना उर्दू बोल दिया, मेरा मुंह थक गया है। कोई गल नहीं, तुसी पंजाबी च गल कर लो। तो अभी मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। हाँ, मेरा ख्वाब। अच्छा, वो पूरा करेंगे माशाल्लाह।